सो व्हाट इज अप यूट्यूब, दिस इज अगेन स्पाइकी शैगी हियर। और आज की वीडियो है होंडा CBR150R के किल स्विच की वीडियो। ऐसा ही सेम टू सेम मैंने होंडा हॉर्नेट में भी इंस्टॉल करके रखा है, और इसके पहले मैं दूसरा एक किल स्विच यूज़ कर रहा था जो इतना ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए मैंने वो अनइंस्टॉल करके ये वाला इंस्टॉल किया है। ये काफ़ी यूनिवर्सल टाइप है, अगर आपके बाइक के हैंडल बार पे वैसा स्पेस रहा तो आप वो स्विच इजीली वहाँ इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सेम मेथड, ऐसा नहीं कि कुछ अलग इसमें वायरिंग करनी है, बस दो ही वायरिंग है। गाइस ये होंडा CBR का ओरिजिनल स्विच है, यहाँ का सब मैंने खोल दिया है। तो ये जो ओरिजिनल स्विच है, इसकी एक बीमारी है कि इसे अंदर ऐसे प्रेस करते ये फंस जाता है, तो लूबिंग करने के बाद क्लियर हो जाता है। और इसमें ये वाला स्विच यहाँ पे लगा था किल स्विच का, बट ये भी ख़राब हो गया। तो अभी हम ये वाला इंस्टॉल करेंगे, ये है FZ25 का, FZ250 यामा का, और इसकी कॉस्टिंग है 205 रुपये समथिंग, 205। और अभी इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको वायरिंग बता दूं। तो देखिए गाइस, हमें सिर्फ ये जो स्विच में दो वायर्स है वो यहाँ से कट करने हैं, और यहाँ पे जो ये ब्रेक लाइट की वायर है जो ब्रेक प्रेस करने पे लाइट टेल लाइट ऑन होती है, उसे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इन दोनों को कट करना है। और नीचे में जब हम किल स्विच का ऑन ऑफ रखेंगे तो ये है की स्विच की वायर है, यहाँ पे दो वायर्स है, इसमें एक है, एक सी इसमें जो रेड ब्लैक वायर है वो हमें कट करनी है बीच में से, और उसके ऐसे दो पॉइंट्स बनाने हैं, और यहाँ पे इतना, मतलब ये नीचे से ये वायरिंग कट करनी है और ऊपर से ये स्विच का वायरिंग कट करनी है। तो बस इस स्विच की बात करें तो ये जो ब्लू वन है वो है सेल्फ का, जो हम यहाँ सेल्फ यूज़ करते हैं जिससे स्टार्टर मोटर ऑन होता है, और जो रेड वन है वो ये किल स्विच का है जिससे किल स्विच ऑपरेट होगा। गाइस सबसे पहले हम ये दोनों सॉकेट यहाँ से काट देंगे कुछ इस तरह, रेड और ये ब्लू। इंसुलेट जितना किया है वहाँ पे, यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंसुलेशन हमें निकालना है। इंसुलेशन मैंने इसका निकाल दिया है और ये खोल भी दिया है स्विच। अब इसमें से जो रेड वाइट एंड रेड ब्लैक वायर है वो बाइक के नीचे जो हमने कट किया की स्विच से वहाँ पे अटैच होगा, एंड ब्लू वाइट एंड ब्लैक वाइट जो वायर है वो इससे यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे मैंने ये ब्रेक असेंबली ओपन कर दी है, और अब इस स्विच में से हमें ये वाला जो पोर्शन ऊपर निकल के आया है, ये छोटा सा ब्लैक, ये कट करना है। ये यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था, ब्लू वाइट एंड ब्लू ब्लैक वायर हमें स्टार्टर के स्विच से ज्वाइन करनी है, तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा रख के यहाँ से कट करूँगा और इससे ज्वाइन कर दूँगा। बस ये लगाते हुए मुझसे यहाँ पे एक गलती हो गई कि ये उतार नहीं देना है, ये बस लूज करके इतना गैप, इन दोनों में इतना गैप रख के दोनों को भी इस तरफ से अटका के रखना है, अदरवाइज आप ये उतार दोगे और फिर स्विच लगा के लगाने जाओगे तो ये नहीं लगेगा, इसलिए इतना लूज कर दो दोनों भी और फिर इस स्विच को यहाँ लगाओ। स्विच यहाँ पे बैठ गया है, लेकिन फुल टाइट मत करना गाइस, क्योंकि पहले आपको ब्रेक भी यहाँ पे टाइट करना है, ब्रेक लीवर, तो इसके लिए इसे थोड़ा सा इस तरफ खींच के इसे टाइट करना है। जब ये टाइट करोगे तो दो बार इसे ऐसे टाइट करना है, और ब्रेक लीवर हमें प्रेस करके रखना है।
कुछ इस तरह से। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये स्विच यहाँ पे प्रॉपरली टाइट हो गया है, ब्रेक लीवर ब्रेक लीवर और यहाँ पे स्विच भी सही से फिट हो गया है। ये स्विच फिट तो हो जाता है सही से, लेकिन बहुत मशक्क़त और टाइट करने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, इजीली फिट नहीं होगा ये यहाँ पे। गाइस अब हम ये इंसुलेट इन दोनों वायरों में डाल देंगे नीचे से ऊपर तक, और फिर इन वायरों को नीचे कनेक्ट करना है। इंसुलेट की हुई वायर मैंने यहाँ से प्रॉपरली नीचे ले लिए है यहाँ पे। अब उन दोनों को की स्विच के जो दो पॉइंट हमने कट किए थे उसे ज्वाइन कर देंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अच्छे से ज्वाइन करके उसे टेपिंग कर लिया है बहुत सही से। अब चेक करते हैं बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और होंडा हॉर्नेट में जो इंस्टॉलेशन किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो स्टे ब्लेस्ड, राइड सेफ एंड बाय बाय।